सात बजे करीब नरेंद्र कुमावत की दुकान पर प्रहलाद बंधवार जी गए थे और वहाँ पर जब वो बात करके बाहर निकले तो हमको ऐसे प्रमाण मिले हैं और ऐसे चश्मदीद साक्षी मिले हैं। मनीष बैरागी जो पूर्व का एक आपराधिक व्यक्ति है उसने जेब से पिस्टल निकाल के उनके ऊपर दो फायर किए हैं जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। जगह जगह दो टीमें बना दी हैं, मनीष को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सर, गोली मारते हुए कोई लाइव शॉट आया नहीं? अभी सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला है। हमारी जो टीमें हैं वो आसपास सीसीटीवी फुटेज की तलाश कर रही हैं। शॉक्ड हूं मैं, समझ ही नहीं पा रहा हूं कि हमारे इतने अच्छे जन नेता की हत्या क्यों की गई, किसने की। मन दुखी भी है और मन गुस्सा और आक्रोश से भरा हुआ भी है, लेकिन विगत दो दिनों की घटनाएं ये बताती हैं कि अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। सरेआम गोलियां चलाई जा रही हैं, जनप्रतिनिधियों की हत्या की जा रही है, ये बहुत चिंताजनक है। मैं सरकार को चेतावनी भी देना चाहता हूं कि इन घटनाओं पर सख्ती से रोक लगाएं, अपराधियों को कहीं से संरक्षण ना मिले, और इस तरह की घटनाएं नहीं रुकी तो हम प्रचंड जन आंदोलन करने पर विवश होंगे। इसमें कोई शक नहीं कि आरोपी कौन है और किसने हत्या करी है। इस पर राजनीति होए, किसी हत्या एक राजनीतिक मुद्दा बने, इसे मैं ठीक नहीं मानता, खास करके अगर किसी पार्टी का ये अंदरूनी मामला हुए। सर, शिवराज सिंह चौहान वहाँ गए और कह रहे हैं कि जब से आप हैं मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। अब शिवराज जी के पास बचा क्या कहने के लिए, यही कह के संतुष्ट रहे। देखिए, जो भाजपा से इसको जोड़ रहा है, मैं समझता हूँ कि वो राजनीति कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक मुझे जानकारी है, न तो जिले की कार्यकारिणी का वो सदस्य था, न मंडल की कार्यकारिणी का सदस्य था, न किसी मोर्चे प्रकोष्ठ में कोई पदाधिकारी था वो। इस चुनाव के दरमियान, विधानसभा के चुनाव के दरमियान, इस आरोपी ने भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, निर्दलीय सब तरह के चुनाव की प्रचार की सामग्रियों को बेचने का काम किया है। सामान्य रूप से कोई दुपट्टा डाल करके और किसी के जलसे जुलूस में अगर शामिल हो जाता तो हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं होता।